लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को मतदान चल रहा है। इस पहले चरण में देश भर की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच दक्षिण के राज्य कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। एक कद्दावर भाजपा नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और यहाँ दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होने हैं। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसको उम्मीद है कि इस बार यहाँ से उसको अच्छी सीटें मिलेंगी। उधर शुक्रवार को ही पड़ोसी महाराष्ट्र में भी भाजपा को झटका लगा है। शरद पवार की सक्रियता की वजह से वहां महागठबंधन के एक बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़कर एनसीपी शरद गुट में शामिल हो गए। उस नेता का नाम उत्तम राव जानकर है, जिनकी वजह से सोलापुर इलाके की 2 से 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में शुक्रवार को पूर्व मंत्री मलिकया गुटेदार ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मंत्री प्रियांक खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। 6 बार के विधायक गुटेदार कुलबुर्गी जिले के अफजलपुर क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र में उनके सगे भाई नितिन गुटेदार से राजनीति अदावत है। बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ नितिन ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस कारण वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। अब भाजपा ने क्षेत्र में नितिन गुटेदार को पार्टी में शामिल कर लिया है। नितिन को भाजपा में शामिल किए जाने से गुटेदार नाराज हैं। मलिकया गुटेदार को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनके आने से न केवल कुलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी बल्कि पूरे राज्य में पार्टी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मलिकया गुटेदार हमारे करीबी हैं, कुछ कारणों से वो भाजपा में चले गए थे लेकिन मुझे पता था कि वो वहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो सामाजिक न्याय को लेकर आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। कांग्रेस में शामिल 67 वर्षीय मलिकया गुटेदार ने भाजपा के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा और उनके बेटे VY विजेंद्र की आलोचना की। कुलबुर्गी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला ये है। यहाँ से खड़गे 2009 और 2014 में सांसद चुने गए थे लेकिन वो 2019 में चुनाव हार गए थे।